लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा का भी नामांकन करवाया। सपा के पूर्व घोषित प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के दाखिल किए गए नामांकन में कुछ कमी होने और एनओसी मिलने में आ रही अड़चन को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सेफ साइड रखते हुए आशुतोष वर्मा का नामांकन दाखिल करवाया है। लखनऊ सीट पर नामांकन की कल अंतिम तारीख थी और आशुतोष वर्मा ने नामांकन करने के बाद बताया कि उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश यादव का फोन आया था। देखिए, आज सुबह हमें हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज आपको 35 लोकसभा लखनऊ से नामांकन करना है और उसके अगेंस्ट स्वरूप हम अपने पूरी टीम के साथ में हम लोग ने आज नामांकन से ढाल कर दिया है। रविदास जी से भी बात, उन्होंने कहा कागजात चेक हो गए, ओके है, चुनाव तो हम ही लड़ेंगे, उन्होंने दावा करके गए। नहीं देखिए, मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ने जो कहा है वो हम लोग ने माना है और आज हम लोग नया नामांकन किया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है क्योंकि रविदास मेहरोत्रा का जो एनओसी है वो नहीं मिल रहा है, पर्चा खारिज हो सकता है, इसीलिए दूसरे उम्मीदवार को भी नामांकन करवाया गया। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी में लखनऊ में भी अब कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। इतने सीनियर नेता है, विधायक है लखनऊ मत से रविदास मेहरोत्रा, लेकिन उनके हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उनका ये कहना है कि जो दस्तावेज उन्होंने जमा किए थे उसमें से एक दस्तावेज में, एक एनओसी में एक स्टाम्प नहीं लगा हुआ था, एक मोहर नहीं लगी थी, जिस वजह से डीएम ने उन्हें समय दिया और उन्हें इस बात को लेकर कहा कि जल्द से जल्द अपना जो दस्तावेज है वो जमा करा दें, जिसको लेकर उनको टाइम भी दिया गया क्योंकि पत्राचार की जो जांच है वो आज होगी। तो ऐसे में रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, उनकी डीएम से बात हो चुकी है और वो अपने पत्र को जमा कर देंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे पर्चा भरने के लिए कहा है, हालांकि वैकल्पिक तौर पर उनको पर्चा भराया गया है, नॉमिनेशन उनका कराया गया कि अगर खुदा न खास्ता रविदास मेहरोत्रा का जो पर्चा है वो खारिज हो जाता है तो ऐसा ना हो कि कोई भी कैंडिडेट लखनऊ से ना रह जाए, तो ऐसे में आशुतोष शर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, पेशे से डॉक्टर हैं, उनको जो है नॉमिनेशन उनका कराया गया। लेकिन खबर यह भी मिल रही है कि आशुतोष वर्मा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कल बैठक भी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में ये दोराहे पर आके समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लखनऊ में खड़ी हो गई है। लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए राकेश जी, रविदास मेहरोत्रा का पर्चा खारिज हो सकता है, लखनऊ से ऐसी खबर मिल रही है और इसीलिए यहां से एक और कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल करवाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जिस दिन से रविदास मेहरोत्रा जी का टिकट फाइनल हुआ है उसी दिन से लगातार रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने की संभावनाएं लगातार जारी की जा रही है। रविदास मेहरोत्रा इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में थी, बावजूद इसके कांग्रेस से मारूफ खान प्रत्याशी उतार दिए गए थे और रविदास मेहरोत्रा पूरे चुनाव तक लगातार इस बात का रोना रोते रहे कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के भीतर रविदास मेहरोत्रा बहुत उपेक्षित किए जाते हैं और इसीलिए जब रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया गया था तो इस बात की आशंका थी इनका टिकट जल्द ही काट कर किसी और को दिया जाएगा, और अभी आशंका बलवती साबित हो रही है जब कल आशुतोष वर्मा का नामांकन करा दिया गया है। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी किसी जमीनी व्यक्ति को जिसका जमीन पर कोई आधार हो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रविदास मेहरोत्रा चूंकि चाटुकारिता की राजनीति कर नहीं पाते हैं इसलिए रविदास मेहरोत्रा को सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता बचा नहीं पा रहे और इसीलिए उनका लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ की जनता ये सब देख रही है और लखनऊ की जनता इन सब का खामियाजा भुगतने पर समाजवादी पार्टी को मजबूर करेगी। राकेश जी, ये तो ऐसा करना इसलिए करना पड़ा ना समाजवादी पार्टी को कि कहीं आप लोगों को सीधे वॉकओवर ना मिल जाए, तो भाई दूसरा कैंडिडेट तो लाकर खड़ा करेंगे ना वो, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो। देखिए, ये करके उन्होंने वॉकओवर दे दिया है। सच बात यह है कि अगर मजबूती से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ते तो चुनौती होते, लेकिन रविदास मेहरोत्रा को जिस दिन से घोषित किया उसी दिन से लगातार ये चर्चा उड़ा दी कि रविदास मेहरोत्रा का टिकट कट रहा है। अब समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता स्वयं भ्रम में है कि आखिरकार उनका वास्तविक प्रत्याशी कौन है, वो किसके लिए प्रचार करें, रविदास मेहरोत्रा के लिए करें या आशुतोष वर्मा के लिए करें। समाजवादी पार्टी के भीतर ये भ्रम लगातार बना हुआ है। आप दर्जन भर से ज्यादा सीटें देखेंगे जिन सीटों पर अखिलेश यादव ने पहले किसी और को टिकट घोषित किया, बाद में किसी और को किया, फिर उसके बाद भी परिवर्तन किया है। यानी अखिलेश यादव स्वयं तय नहीं कर पाते हैं कि पार्टी का प्रत्याशी किसको बनाए। असल बात यह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कोई सामूहिकता से निर्णय नहीं होते, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है जहां पर बैठकर विचार विमर्श के बाद कोई टिकट तय होता हो,
समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को रात में सपने में जो दिखाई पड़ा सुबह वो निर्णय घोषित कर देते हैं और दिन में फिर कोई दूसरा सपना देख लेते हैं तो शाम तक फिर निर्णय बदल लेते हैं। ये अखिलेश यादव की मोनोपोली ठीक है। राकेश जी आप बने रहिए, कीर्ति निधि पांडे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे से जुड़ गए हैं। कीर्ति निधि जी, ये क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? राकेश जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में तो कार्यकर्ता भी है भाई, प्रत्याशी फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कार्यकर्ता और मतदाता कंट्री में कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ जिस लोकतंत्र संविधान को दरकिनार करके उम्मीदवारों की एनओसी नहीं जारी होने दे रहे हैं, उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कराया जा रहा है पूरे देश के अंदर, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी रणनीतिक तरीके से तमाम उम्मीदवार बदले गए हैं, तमाम जगह दूसरे उम्मीदवार लड़ाए गए हैं। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी का छत्ता सरकार तो तमाम पर्चे खारिज कर दिए जाते, जिस तरह हमारे उम्मीदवार का खजुराहो पर्चा खारिज किया गया मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा दिखाया था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनओसी नहीं मिल पा रही है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है? बिल्कुल बीजेपी का हाथ होगा, बिल्कुल बीजेपी का हाथ चाहती है कोई उम्मीदवार न लड़े। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है राकेश जी के पास दोबारा से चलेंगे। कीर्ति निधि पांडे जी, लेकिन राकेश जी तो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा बहुत सारी सीटों पर कर चुके हैं, आप लोगों का एक कैंडिडेट आप किसको अनाउंस करते हैं फिर आप सीट पर बदल देते हैं, तो ऐसे में प्रचार का तो फिर बहुत कम टाइम मिल पाता है ना फिर कैंडिडेट को, और मैसेज क्या जाएगा जनता में? देखिए इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवार दे रहे हैं और कार्यकर्ता मतदाता दोनों स्पष्ट हैं, ये महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ, जीएसटी से व्यापारियों के उत्पन्न का इस सब का उत्पीड़न का निजात एक जगह है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान इस देश के अंदर देर शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं। मयूर कब तक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी इस सीट को लेकर? देखिए आज इस सीट को लेकर स्थिति क्लियर हो जाएगी क्योंकि रविदास मेहरोत्रा की तरफ से कहना है कि डीएम को उन्होंने आश्वस्त कर दिया है और पूरा कंफर्मेशन हो गया है कि वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आशुतोष वर्मा का क्या कहना है ये देखने वाली बात होगी। और अगर इस तरीके की बातें निकल के आ रही, क्योंकि जब से इनको टिकट मिला है उसके बाद से बीच में भी ये बात निकल कर आई कि इनका टिकट कट सकता है, किसी और को दिया जा सकता है, तो ऐसे में अगर ये कोई रणनीति है समाजवादी पार्टी की तो इसके ऊपर से भी पर्दा जल्द ही उठ जाएगा। तो आज का दिन बड़ा अहम इन दोनों के लिए, देखने वाली बात होगी कि कौन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होगा लखनऊ में, जो कि राजनाथ सिंह का मुकाबला करेगा। खबर ये मिल रही है कि आज ही कंफर्म क्लियर हो जाएगा, उसके बाद साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ से कौन कैंडिडेट होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।